अगर किसी पक्षी की चोंच टूट जाए तो वह भूखा मर जाएगा, क्योंकि बिना चोंच के वह खा नहीं सकता है। लेकिन ईगल एक ऐसा बर्ड है जो जानबूझकर अपनी चोंच खुद ही तोड़ देता है। लेकिन ईगल यह जानते हुए भी कि बिना चोंच के वह भूखा मर सकता है, तो फिर भी वह अपनी चोंच क्यों तोड़ता है? आइए जानते हैं। एक ईगल 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है और यह अपनी नुकीली चोंच से बड़े शिकार को चीरफाड़ सकता है। लेकिन ईगल की उम्र 30 से 40 साल की हो जाती है तो उसके पंख भारी हो चुके होते हैं और चोंच की शार्पनेस कम हो जाती है, इसीलिए ईगल ना ढंग से उड़ पाता है और ना ही शिकार कर पाता है। और ईगल के मरने की नौबत आ जाती है, तब यह एक ऊंची चट्टान पर चला जाता है और मार मार कर अपनी चोंच तोड़ देता है। 3 से 4 महीने भूखा रहने के बाद उसकी नई चोंच उग आती है और अब उस नई चोंच की मदद से अपने पुराने पंखों को उखाड़ कर फेंक देता है। 2 से 3 महीने में इसके नए पंख आ जाते हैं। 6-7 महीने के इस दर्द भरे प्रोसेस से ईगल फिर से आसमान में राज करने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे आपका फेवरेट बर्ड कौन सा है, कमेंट में जरूर बताएं।